नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी रल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, यहाँ की राजधानी रायपुर में, और यहाँ के सदर बाज़ार में इस वक्त हम आए हुए हैं, सराफा बाज़ार में, जो सबसे पुरानी बाज़ार है। यहाँ की सबसे पुरानी दुकान पर हम आए हुए हैं, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार। अब सुबह का टाइम है, दिवाली का दिन है, तो हमने कहा देखें नाश्ता क्या अच्छा मिल सकता है। तो पता चला बहुत पुरानी दुकान है, बहुत भीड़ रहती है, इस वक्त भी काफ़ी भीड़ है। पहले आप दुकान दिखाइए विभव जी, क्या क्या पकवान रखे हुए हैं? खस्ते हैं, दही बड़े हैं, ढोकले हैं, चलिए और क्या है हम बात करते हैं जी। मिर्ची का नाम है आपका? मेरा नाम जगदीप भाई ढोलकिया। आप कहाँ के रहने वाले? मैं राजकोट का रहने वाला हूँ। गुजरात से यहाँ पे आए? सौराष्ट्र। कब से आए हुए? मेरे को 40 साल हो गया यहाँ पे, रुके मेरे को 60-70 साल हो गए। 60-70 साल से आप यहाँ पे हैं? पिताजी के जमाने से। तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। क्या खास बात है आपकी दुकान? मेरी दुकान के जितनी आइटम है सब खासी है। क्या क्या देते हैं आप यहाँ के? यहाँ नाश्ते में आपको सब गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी, आलू गुंडा, मूंग बड़ा, कांजी बड़ा, खमन ढोकला, मिर्ची भजिया, और तुम्हारे गर्मा गर्म फाफड़ा, जलेबी, नमकीन, जितनी आइटम सब मिले। और यहाँ की मेरी आइटम खोवा जलेबी इमरती, ये प्रसिद्ध है रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध है इमरती और खोवा जलेबी मेरे यहाँ की दुकान की। रायपुर में आप गुजरात का जो है टेस्ट ले आए? मैं हूँ खास राजकोट का और यहाँ पे मेरे को आए 50 साल हो गए। गुजरात का टेस्ट यहाँ पे लोगों को पसंद आ रहा है? सबको पसंद है, मेरे यहाँ का नाश्ता सबको पसंद है। अच्छा, और एक दफे जो खा के जाता है वो बार दूसरी तरफ भूलता नहीं पहुँचता है। देखिए यहाँ पे एक खबर भी लगी हुई है, 55 साल में ना दुकान बदली ना गद्दी, सौराष्ट्र मिष्ठान भंडार विरासत संभालने का अनूठा तरीका। दुकान चालू हुई थी तब 1 रुपया 20 समोसा बेचता था मैं। जब दुकान चालू हुई तब 1 रुपया 20 समोसा बेचता था, आज समोसा 25 रुपये का 2 समोसा बेच रहा हूँ। अच्छा, पहले बेचते थे 1 रुपये के 20, 1 रुपये 20 बेचता था, अभी 25 रुपये 2। समय उस समय 200 रुपये तोला सोना था, तब मैं भाव भी पता लगाया था, मतलब सोना क्या भाव चल रहा, बोले 200 रुपये तोला, तब मैं 1 रुपये 20 पैसे का 1 समोसा बेचता था मैं। ये तो दुकान की बात हो गई, आप यहाँ पे 50 साल से करीब हैं, तो यहाँ की राजनीति कैसे बदली? 15 साल से रमन सिंह है यहाँ पे, कैसा शासन लगता है उनका? रमन सिंह का तो काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इस बार क्या लग रहा है? इस समय भी रमन सिंह खिलेगा, कमाली खिलेगा और क्या खिलेगा। हाँ, क्या किया उन्होंने साहब के लिए? देख बहुत कुछ किया यहाँ पे, एक तो तुम्हारे सब रोड अच्छे किए, सफाई, यहाँ साफ सफाई, यहाँ की जो पब्लिक जो है, और जितने काम भी जितने भी हुआ सब अच्छे ही हो रहा है। काम ऐसा नहीं, काम नहीं, काम जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा है, हैं, बढ़िया काम। सौराष्ट्र के मिष्ठान भंडार के जो मालिक हैं उनको तो काम पसंद आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनको रमन सिंह का काम कैसा लगता है? जी आपका नाम? बीजेपी महेंद्र बापना। आप किस पार्टी कार्यकर्ता हैं? पार्टी के कार्यकर्ता तो कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं। इसके मोदी जी के रमन जी के भी स्वाभाविक है भैया। 15 साल से वो यहाँ पे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लगातार चुनाव जीत रहे हैं? भैया सबसे बढ़िया काम हो रहा है। क्या बढ़िया किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है रमन जी ने। गरीब। क्या नाम है आपका? राहुल उतोनी। राहुल, क्या करते हैं राहुल आप? मैं दुकान इलेक्ट्रॉनिक की जी। तो यहाँ पे 15 साल से रमन सिंह हैं, इस बार क्या लगता है आपको? रमन सिंह को ही लाइन है इस बार भी, बीजेपी में ही दम है, जो कर सकते हैं हिंदुस्तान में बीजेपी सबसे बेस्ट है। क्या किया है रायपुर के लिए ऐसा खास, आपको क्या लगता है? पूरा रायपुर विकास किया, रायपुर को नक्शे ही बदल दिए, आज जहाँ का देखो चौड़ीकरण, रोड अच्छे हैं, साफ सफाई बेस्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में काम अच्छा हुआ है उनका जी। आपका क्या नाम? रियाज। रियाज, क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस में हूँ। हाँ, जॉब करते हैं। कब से हैं आप यहाँ? पैदाइशी हैं बाई बर्थ। आप 15 साल से आप ही रमन सिंह को देख रहे हैं? हाँ। आपने वोट दिया? एक बार दिया ना, हर बार दिया है। मैं मोदी को ही देता हूँ। मोदी को ही देते हैं, मतलब मोदी को होते हैं यहाँ तो रमन सिंह को देते होंगे। क्यों क्यों, क्या खास लगता है मोदी जी के? मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ देर से मतलब मैं कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, कोई आगे हिम्मत तो आई कम से कम। पहले जो जितने दो प्रधानमंत्री थे लग ही नहीं रहता कि इंडिया है, सामने जाओ तो बेइज्जती ही लगती थी थोड़ी, अभी ऐसे नहीं लगता मोदी के सामने कोई। कहाँ बेइज्जती लगती थी? रमन के सामने नहीं लगती उतनी, लेकिन जब हमारे सरदार जी जाते थे, प्रधानमंत्री जी थे, तो ऐसा लगता है कि लोग उनको कुछ ना सुन रहे ना बात मान रहे, ना कभी इज्जत हुई उनकी, ऐसा लगता है। मोदी जी से आपको लगता है कि उनकी बात सब सुनते हैं? बात सुनते हैं, लोग डर रहे हैं ना, दूसरे देश तो डरी रहे उनसे। किस बात का डर है? कौन डरता है? कि चुप नहीं बैठेंगे किसी भी चीज़ के लिए, सहना नहीं है कि कोई चीज़ अगर देश कर रही है तो सह नहीं। हिंदुस्तान फुल तरक्की में, उसका डर है मोदी जी को। आपका क्या नाम है? काजल। काजल, नहीं इनसे मैरिज हुआ तब आए हैं। 3 साल से। 3 साल। कहाँ से यहाँ आई हैं? MP से, शहडोल। शहडोल जी।
शहडोल और रायपुर, क्या अंतर लगता है? एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, अब डिफरेंट हो गया है। सन 2000 में अलग हुआ था, आप यहाँ पर आई तो अपना जो एमपी है वहाँ की बात, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ पे रमन सिंह है, दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? शिवराज सिंह चौहान ओनली। मतलब शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह अगर एक दूसरे से माय फेस मिला इसलिए। नहीं उनका काम अच्छा था एमपी में। अरे कुछ भी। आपका नाम क्या है? सागर शुक्ला। सागर शुक्ला। सागर जी, सागर जी क्या करते हैं आप? मेरा रियल इस्टेट का काम है, गाड़ियाँ चलती हैं। 15 साल से रमन सिंह हैं आप, इस बार क्या लग रहा है? इस बार कुछ बोल नहीं सकते सर। बोल नहीं सकते? ऐसा क्या है, क्यों? लोग कारण पब्लिक परेशान चल रही है, महंगाई सबसे बड़ी जो मुद्दा है, महंगाई है, पेट्रोल के बढ़ते रेट हैं और नोटबंदी के कारण तो आज मार्केट की स्थिति आप खुद देख ही रहे हैं। रियल एस्टेट का काम है, नोटबंदी का क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा, नोटबंदी का असर पड़ा, छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ बैन हुई, खसरा बटांकन लाया गया, तो सब चीज़ को एक स्लो बाय स्लो, स्टेज बाय स्टेज लाना चाहिए था, सबको एक साथ ला देना और उसके बाद खुद गवर्नमेंट उस चीज़ों को संभाल नहीं पा रही। आज 60,000 से 90,000 रजिस्ट्रियाँ पेंडिंग है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस बताइए ये सब क्या है? आपके लोकल विधायक यहाँ पे कौन है? हमारे विद्वान बिजमोहन अग्रवाल जी। बिजमोहन अग्रवाल जी, उनके लिए क्या लगता है आपको? वो जीतेंगे, हम उनके साथ हैं। है बाहर से विधायक हैं वो, क्या बात है, क्या जादू है उनका? उनमें है ना, जादू वाली बात नहीं है सर, वो हमारे साथ खड़े हैं। आपको लगता है रमन सिंह से कहीं ना कहीं आप नाराज है, सरकार से ओवरऑल, मगर अपने विधायक से खुश? मैं रमन सिंह से नाराज हूँ ना, मैं सरकार से नाराज हूँ। उनके जो रूल्स हैं, जो उनके नियम हैं, जो दिन पे दिन आ रहे हैं, जिससे आम पब्लिक परेशान हो रही है, उससे उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए सरकार को। मध्यम वर्ग को बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है, मध्यम वर्ग को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जो भी फैसिलिटी है गरीबी रेखा वालों को है, कम से कम मध्यम वर्ग वालों को कुछ तो देना था। कांग्रेस गवर्नमेंट में कम से कम ऐसा था, 5 किलो उनको शक्कर मिलता था, आज तो वो भी बंद कर दिया गया, उनके कार्ड निरस्त कर दिए गए। आप शिकायत ये कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास नहीं किया सरकार ने जी। भैया क्या नाम है आपका? अभी बात करेंगे, आपका नाम क्या भैया? उमेश तिवारी। उमेश तिवारी। उमेश तिवारी, क्या करते हैं आप? ज्वेलर में हूँ मैं जी। ज्वेलर में। ज्वेलरी में। ज्वेलरी में आप क्या लगता है कि पिछले साल जो GST 2 साल पहले आया, उसके पहले नोटबंदी हुई, तो कुछ असर हुआ? थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, लेकिन एवरेज चलता है। आज दिवाली के बाद दिवाली की मार्केट कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अच्छी रही, अच्छी है। अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। ये बताइए, 15 साल से रमन सिंह है यहाँ पे, इस बार क्या लगता है उनके लिए? उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, सॉरी, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपको मतलब माहौल, राजनीति से जुड़े माहौल में कोई बातचीत नहीं करूँगा। राजनीति से जुड़े वोट देते हैं आप? मुझे राजनीति पसंद ही नहीं है, मैं उनसे बात करूँ? वोट भी नहीं देते हैं आप? देता हूँ। वोट देते हैं, अगर वोट आपको मतलब पक्ष के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको वोट देंगे ये बताइए, मगर फिर भी आप बाजार में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो आपको समझ में आता होगा किसके पक्ष में चीज़ें लग रही हैं। उन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पहले ही बोल चुका हूँ। अच्छा अच्छा। अंकल क्या नाम है आपका? बीपी शर्मा। बीपी शर्मा जी, आप ये रायपुर के ही हैं जी? तो रायपुर में तो आप तो बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं चीज़ें, राजनीति का करीब से आप देखते आ रहे होंगे, 15 साल से रमन सिंह यहाँ पे जी, इस बार क्या लगता है आपको? मेरे को तो बीजेपी आ जाएगी लगता है। बीजेपी लगता है जी, डेवलपमेंट तो हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट। क्या कमियाँ रह गई कुछ आप लोग की अभी भी और मांगे होंगी कि सरकार ने सड़क बनवाई चलिए और काम किए हैं? रिक्वायरमेंट जो होती है ना एंडलेस है, आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, उसकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, कोई नहीं कर सकता। एक मांग पूरी होगी, दो मांग पूरी होगी, चार मांग पूरी होगी, कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगी। आपके लोकल विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल हैं? हमारे विधायक मुहूर्त में कोटा क्षेत्र में, पश्चिम से। आपका क्या नाम है? आपका अक्षय कर्णपुरे। क्या लग रहा है उनके लिए? राजेश मूलत के लिए बता रहे हैं थोड़ी सी कड़ी कड़ा मामला है इस बार। हाँ, इस बार तो लग तो रहा है थोड़ा बहुत, पिछली बार भी करीबी मामला था, पिछले बार भी थोड़ा करीबी मामला। देखो भाई, क्या समझदार लोग हैं, डेवलपमेंट को देखना तो राजेश मूलत को वोट देना चाहिए। डेवलपमेंट तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं, कोटा में स्टेडियम बन गया है, सड़कें अच्छी हो गई है, आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका बहुत डेवलप हो गया है वहीं पर है अपना वो। नहीं, पूरा भैया छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अब वो तो देखो, आने असंतोष सुख सबको रहता ही है। अभी मैं एक ये खा रहा हूँ नमकीन, नहीं यार ठीक नहीं लगा यार। आप कह रहे हैं कि उम्मीदें हैं और उम्मीदें रहेंगी, इसमें कोई उम्मीद तो खत्म हो ही नहीं सकती भैया, एंडलेस है। आपको पुराने समय की कोई राजनेता के किससे कुछ कहानी याद हो, आपने समय देखा हो कि कैसे पहले कैंपेनिंग होती थी, आप कैसे होती, अब कैसे बाहुबल धनबल का प्रभाव काफ़ी तो बढ़ गया? रहता ही है, रहता ही है, पहले भी था और आज भी है। पहले भी था, आज भी है, पहले
हम लोग नहीं रहते उस विलेज। रायपुर कैसे बदला है? है? रायपुर कितना बदला है? रायपुर कितना बदला है, कैसे बदला है? बहुत बदल गए भैया रायपुर, बहुत बदल गया। ये रायपुर जरा सा था, आज देखो कहाँ से कहाँ रायपुर हो गया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदल। सीएम थे अजीत जोगी, वो भी अपनी पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, उनके लिए क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता कांग्रेस कम है, वो खाली कांग्रेस को वोट काटेंगे, कुछ नहीं। अच्छा, आरोप भी लग रहे हैं वो कांग्रेस की बी टीम है। अब कांग्रेस का क्या है सर, वो तो उन्हीं के खुद के में ही अंदर ही अंदर, एक दूसरे के है नहीं उन लोग हैं, तो फिर अपन लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि कांग्रेस आएगी कि बीजेपी। और अजीत जोगी का तो अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि उनकी पूरी पूरी नई पार्टी है कि नहीं। ये तो राजनीति आपने देखी, नाश्ता पानी भी देखा, नाश्ता पानी करते करते क्या राजनीति हो रही है, ये क्या दही दही फेंट रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश जुड़ियानी। आप यहीं रहने वाले हैं? मैं ठाकुरपारा जी, ठाकुरपारा, ठाकुरपारा के रहने वाले हैं, रायपुर में। हाँ, रायपुर। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है, किसके पक्ष में बात है? चुनाव में ज़्यादा बारी कांग्रेस आएगा। कांग्रेस? कांग्रेस। रमन सिंह से खुश नहीं है आप? नहीं, रमन सिंह क्या कमी रहेगी उनकी तरफ से, 15 साल से सीएम है वो। हाँ, इस बार क्या परेशानी लग रही है आपको? परेशानी तनख्वाह कम है। कुछ योजनाओं का आपको कोई लाभ मिला क्या? नहीं, कोई एक रुपया नहीं मिला। अच्छा, जितना बार वो सरकार बना एक रुपया उससे नहीं मिलता हूँ। कुछ लोग रमन सिंह से खुश भी हैं, कुछ लोग कुछ शिकायतें भी हैं। रायपुर की जहाँ तक विकास की बात है तो लोग इस बात को मानते हैं कि कुछ विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, तमाम चीज़ें हुई हैं, काफ़ी रायपुर बदला है। और इसके साथ जो लोगों ने बोला, आपने सुना, आप हमारी चुनाव यात्रा से ऐसे ही जुड़े रहे, हम आपको ऐसे ही नाश्ते पानी की दुकानें और साथ में राजनीतिक चर्चा और लोग क्या सोच रहे हैं 15 साल से छत्तीसगढ़ में टिकी हुई रमन सिंह की सरकार के बारे में लगातार बताते रहेंगे। मैं हूँ सौरभ, और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विभव। शुक्रिया।